आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल सी फड़े की रेसिपी, आटे के आटा और चने की दाल की फड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी मैंने मिक्सी में मैंने चने की दाल को ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था, और जब चने की दाल जब सोक हो गया था, अच्छे से फूल गई थी, तो फिर इसमें से मैंने पानी जो है ड्रेन कर लिया था। और इसको मैंने मिक्सी में लहसुन 10-12 लहसुन की कलियाँ, 8-9 हरी मिर्च, और इसमें मैंने हींग डाली है, एक टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हींग डाली है। हींग हमें ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि चने की दाल जो लोग कहते हैं कि चने की दाल में हींग जो है वो ज़रूर ऐड करनी चाहिए, अगर हम चने की दाल की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो। तो इसमें मैंने लहसुन हरी मिर्च और हींग वन स्पून हींग ऐड की है, और इसमें मैंने 1/2 स्पून के करीब जो है वो हल्दी पाउडर डाला है, और टेस्ट के अनुसार नमक डाला है, क्योंकि हमें इसको आटे में फिल करना है, इस वजह से हमने इसमें नमक जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ही डाला है, ताकि हमारा आटा जो है वो भी नमक एब्जॉर्ब करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग डाल लेना कि हमें इसमें आटे में इसको आटे में फिल करना है, तो हमें आटे में फिल करते समय हमें जो जब हम पकाएं तो हमें नमक जो है वो कम ना लगे, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो अभी मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, इसको मैंने हल्का दरदरा सा ही पीसा है, और इसके बाद फिर मैंने आटा जो है अपना गेहूं का आटा जो है वो अपना तैयार कर लिया है। ये थोड़ा सा आटा मेरा सुबह का रखा हुआ था, तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो चलिए फिर बनाते हैं अपना आटे और चने के दाल के फड़ा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और ट्राई ज़रूर करना, और बना के बताना कि कैसा बना है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से अपना जो आटे का फड़ा है वो बना लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपने प्रेशर कुकर में, अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसमें पानी डाल लिया है, आधे से कम थोड़ा सा पानी है, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब हम फड़े इस पानी में डालेंगे तो आटा है, तो आटा जो है वो चिपकने लगता है, तो ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल हमने डाला है ताकि फड़े जो हैं वो हमारे चिपके नहीं, इसलिए। और पानी को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और इधर मैं अपने फड़े के लिए जो आटा मैंने तैयार किया वो भी लूँगी। ध्यान रखना है कि आटे की जो रोटियां हैं वो हमें पूरी की तरह बेलनी है, मींस ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है, क्योंकि आटा जो है वो पानी में डालने पे फूलता है, इस वजह से ज़्यादा बड़ी बड़ी जो पूड़ियाँ रोटी टाइप का है नहीं बेलना। अभी इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बेली थी, और पानी में डालने के बाद आटा फूलता है, इस वजह से हमें पूड़ी के जितना हम पूड़ी का आटा बेलते हैं उतना ही आटा बेलना है, हमें रोटियां वैसी ही बेलनी है। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने पहला जो अपना फड़ा है वो फिल कर दिया है, और इसको फिल करने के टाइम पे भी ये ध्यान रखना है कि हमें चने का दाल जब हम पीसें तो उसमें हमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर ये बंद के हम इसको सही से लॉक नहीं कर पाते हैं, फिर चने की दाल बहने लगती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि चने की दाल में हमें पीसते टाइम पे पानी ऐड नहीं करना है। और अभी आप देख सकते हो कि मेरा सेकेंड वाला फड़ा जो है वो भी तैयार हो चुका है, और मैंने इसको अपने हाथ से इसके कोनों को प्रेस करके और इसका जो ओपन वाला एरिया था उसको मैंने लॉक करके और इसको भी पानी में डाल दिया है। फड़े को पानी में डालते टाइम मैंने गैस को सिम पे कर दिया था,
ज़्यादा सिम पे नहीं, मीडियम पे कर दिया था ताकि जो फरे हैं जो पानी में डाले हैं वो पकते रहें और जल्दी जल्दी से हम अपने जो बाकी के फरे हैं वो भी इसी तरह से बेल करके भर लेंगे और फिर हम अपने हाथों से प्रेस करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हो, प्रेस करते हुए इसको बंद कर देंगे। और अभी आप देख सकते हो कि फिर मेरा फरा एक और तैयार हो गया। तो इसी तरह से हमें बाकी के फरे जो हमारे हैं वो भी हम जल्दी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। हमारे सारे फरे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हो कि मैंने सारे फरे जो हैं वो इसमें पानी में एक एक करके तैयार करके इस पानी में डाल दिए हैं। और अब हमें इसको अच्छे से चलाना है, जो हमारे नीचे के फरे हैं वो भी हमें हल्के हाथों से चलाना है क्योंकि अभी जो हैं सारे फरे हमारे अभी कच्चे हैं। इसको ध्यान में रख के हमें हल्के हाथों से ये फरे को अच्छे से पानी में बैलेंस जैसे एक से करने हैं ताकि सारे फरे हमारे जो हैं वो पानी में डिप हो जाएं। और नीचे के जो फरे हैं वो भी चेक कर लेना है कि चिपके तो नहीं है। और फिर हमें इनको जो है ढक करके पौन घंटे के करीब मैंने रख दिया था, ढक करके पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ये पक जाए। और इसको हमें अभी चेक नहीं करना है, पौन घंटे में हमें सिम पे करके छोड़ देना है। कुकर का जो गैस है इसको मैं बंद कर दूंगी और सीटी नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना है कि सीटी नहीं लगानी है। तो अभी मैं पौन घंटे के करीब हो चुके थे तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि फरे हमारे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो फरे हमारे जो हैं वो हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको ठंडा करके, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं इनमें इन फरों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और इसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना है क्योंकि अभी ये गर्म है, तो अगर हम ज़्यादा वो करेंगे, ज़्यादा प्रेशर इस पे डालेंगे तो फरे हमारे जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें फरे को ध्यान से निकालना है ताकि वो टूटे नहीं। और निकालने से पहले हमें नाइफ से एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि हमारी फिलिंग जो है वो पक चुकी है कि नहीं पक चुकी है। फरे जो हैं वो हमारे अच्छे से पक चुके हैं कि नहीं पक चुके हैं। तो मेरे फरे जो हैं वो आप देख सकते हो कि मैंने निकाल लिए हैं। और इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी फिर से हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर हम इनको जो है वो कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। और कट करने आप ही आप देख सकते हो कि मैं कट कर रही हूँ इनको। और हम कुछ लोग इसको ऐसे स्टीम करके खाते हैं, जैसे मैंने स्टीम किया था पक गया था, तो कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं। और हम लोग जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद ये थोड़े से करारे से हो जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, सॉस के साथ या चटनी के साथ।
तो मैं अभी फ्राई करने के लिए आ गई हूँ। तो कढ़ाई जो है वो मैंने गैस पे चढ़ा दी है और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है वो ऐड कर दिया था और फरे जो मैंने पीसेस में कट करके रखे थे उनको मैं ऑयल में डाल दूँगी और इसको मैं डीप फ्राई करूँगी ताकि अच्छे से कुरकुरे से हो जाएं। तो अभी आप देख सकते हो कि एक एक करके मैं इसको डाल दूँगी और डाल करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको नहीं चलाऊँगी क्योंकि लगे हाथ चलाने से इसमें करारापन नहीं आएगा। तो थोड़ी देर मैं इसको ऑयल में पकने दूँगी और थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसको दोनों साइड से पका लूँगी। जो फरे हैं मेरे उनको मैं दोनों साइड से अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक पका लूँगी। तो अभी मेरे जो फरे हैं वो नीचे से थोड़े से कुरकुरे टाइप के हो गए थे, थोड़ा सा देख आप ब्राउन देख सकते हो कि ये ब्राउन हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें भी आपको भी ध्यान रखना है। वैसे तो हम सभी हाउसवाइफ्स को जो है वो कुकिंग करनी आ ही जाती आती ही है, बस मैं आप लोगों के साथ अपना जो मैं जैसे शेयर करती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। अगर आप के पास मेरे लिए कोई टिप या फिर कोई भी सजेशन हो जिससे मैं अपनी कुकिंग को बेटर बना सकती हूँ तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि अगर मैंने कहीं कोई गलती की हो तो आप ज़रूर से मेरे को सजेस्ट करना। और कोई ट्रिक हो वो भी टिक हो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। शेयरिंग से ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे जो फरे हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको मैं डार्क ब्राउन होने तक की फ्राई करूँगी ताकि ये खूब कुरकुरे से हो जाएं, ताकि खाने में जब कुरकुरे रहते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मेरे जो फरे हैं वो मैंने कुरकुरे होने तक फ्राई किए हैं। फरे हमारे फ्राई हो चुके हैं तो अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अभी आप देख सकते हो कि ये जैसे कि पकौड़े होते हैं जैसे क्रिस्पी से वैसे हुए हैं। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से जो बचे हुए फरे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे और आपको मैं दिखाती हूँ जब ये पूरे मैं निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फरे दिखाती हूँ कितने टेस्टी और कितने यमी लगते हैं देखने में। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, अचार के साथ। हम तो इसको टमाटो सॉस के साथ खाएंगे। तो चलिए फिर ये फले जो मैंने कढ़ाई में रखे हैं ये भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फले हमारे कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो हमारे फरे तो रेडी हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हो कि कितने यमी कुरकुरे से हो चुके हैं। और इसको मैं खाऊंगी चिली सॉस के साथ।
तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बताना ज़रूर कि कैसे बने। वैसे तो ज़्यादातर चावल के फरे बनते हैं, लेकिन हमारे साइड आटे के फरे बहुत ही बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा।